हाय हरमन सर, वेलकम टू नाइट स्पोर्ट्स। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर ऑन विनिंग द गोल्ड मेडल। 14 के बाद हमने 18 में जीता, अनडिफिटेड रहे, पैरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन किया हमने, जापान को 5-1 से हराया। ओवरऑल किसा डिस्क्राइब करेंगे आप इस गोल्ड मेडल को? सबसे पहले थैंक यू। डिस्क्राइब हमारे लिए बहुत एक बड़ा टारगेट था ये, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक्सपीरियंस किया कि डायरेक्ट नहीं क्वालिफाई कर सकते। सो इस टाइम यही एक माइंड सेट था कि मैच बाय मैच जाएंगे और कोई भी टीम रहेगा अपना बेस्ट ऑफ ही करेंगे, एंड मेंटली सेट रहेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर लीड से जीत रहे हैं तो आप इजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हर एक टीम जो है फाइनली जीतने आई है, अच्छी टीमें भी थी वहाँ पर। वही एक माइंड सेट था, मैच बाय मैच हमने अच्छा किया और रन भी कर रहे हैं। आज अगर हम 18 की एशियन गेम्स में जाएं, हमें स्टार्टिंग में भी वहाँ भी सॉफ्टी मिली थी, हमने अच्छा किया, हमने यहाँ भी सॉफ्टी मिली थी अच्छा किया, लेकिन लास्ट टाइम मलेशिया से हम पेनल्टी स्ट्रोक में हार गए थे, तो इस टाइम टीम ने क्या सोचा कि अब वो गलती नहीं करेंगे, अब हम किसी टीम को ईजी मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि लीग मैच आपको एक कभी टफ मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, तो सडनली जब आप एक आपको सेमीफाइनल अच्छा मिल जाता है तो आपको रिदम आपका लेके आने में टाइम लगता है। तो इस बार वही एक जो स्पेशल चीज़ थी हमारी, हमने एक माइंड सेट अपना रखा था कि डे वन से फर्स्ट मैच से लेके फाइनल तक अपना सेम टेम्पो रखेंगे, सेम इंटेंसिटी रखेंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अपनी जी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हम चैंपियन बने चेन्नई में, अब हम एशियन गेम्स चैंपियन है, तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का वो जो हम कप जीते उसका एक्सपीरियंस आप एशियन गेम्स में कैसे लगे? वो एक्चुअली बहुत हेल्प किया, क्योंकि सभी टीम के साथ खेलना था जी, सेम टीम थी, एंड उससे पहले हम काफ़ी लंबे समय से एशियन टीम के साथ नहीं खेले, एशियन तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम टूर्नामेंट भी जीते हैं, पर उस टूर्नामेंट से हम बहुत कुछ सीखे हैं, क्योंकि सारी टीम को एनालाइज कर पाए हैं, क्या क्या कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, एंड क्या और इम्प्रूव कर सकते थे हमें पता चला। इसके बाद जितना टाइम था हमारा हमने ट्रेवल किया। एक लास्ट सवाल, जापान को हमने फाइनल में खेला, जापान को हमने ग्रुप स्टेज में हरा बाय 4-2 आई थिंक, तो वो जब हम उतरे थे आप लोग जापान के अगेंस्ट उस एक दिन रहते पहले, तो सोच के आ रहे थे कि ऑलरेडी हमने हरा दिया इनको, लेकिन ईजी नहीं लेना इंडीज़। बिल्कुल सेम माइंड सेट था, अगर देखें तो पहले एक क्वार्टर में स्कोर ही नहीं था एंड सडनली फिर स्कोर हो रहे हैं, तो हमें बिलीव था, बट उसके साथ ये था कि अपना बॉल पोजिशन रख रहे थे, अटैक पे जा रहे थे, डिफेंस हमने बहुत अच्छी की है, टीम तो माइंड सेट था सर ईजी नहीं लेना, लीग मैच डिफरेंट होता है, फाइनल मैच डिफरेंट होता है। थैंक यू सो मच अरुण पाजी, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।